Murtake Shivraj Singh Chauhan. ये तस्वीरें अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की हैं। जिस लड़के को एलएलएम की डिग्री दी जा रही है वो भारत के मध्य प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री का बेटा अमेरिका की मशहूर पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर रहा है और आपका बेटा हाथों में तलवार लेकर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए दंगे कर रहा है। ये तस्वीर इसलिए अहम है क्योंकि आपको भड़काने वाले नेताओं के बच्चे जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आपके बच्चे मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाने के लिए अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जिस हिंदू धर्म की रक्षा करने का ठेका आपके बच्चों ने ले रखा है उसे बचाने के लिए नेताओं के बच्चों ने हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर निकलना सही नहीं समझा। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म को बचाने का ठेका सिर्फ आपके बच्चों ने ले रखा है। क्यों एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान अमेरिका में डिग्री लेने की बजाय ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढ रहा। इन तस्वीरों को अपने बच्चों को दिखाइए और पूछिए कि तुम्हारे साथ मस्जिदों में भगवा झंडा लगाने के लिए अमित शाह का बेटा जय शाह क्यों नहीं है। क्यों तुम अकेले हिंदू धर्म को बचा रहे हो और इन नेताओं के बच्चे मजे लूट रहे हैं। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए क्योंकि शिवराज सिंह तो अपने बेटे के पोस्ट ग्रेजुएट होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और आप अपने बच्चे को हत्यारा बनते हुए देखकर मन ही मन रो रहे हैं। शिवराज ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रिय बेटे केएस चौहान ने एलएलएम की पढ़ाई पेन के कैरी लॉ स्कूल से पूरी कर ली। कल दीक्षांत समारोह का ये वीडियो देखकर मन आनंद और गौरव से भर गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं पर अपने प्रशासनिक दायित्वों के कारण हम वहां उपस्थित नहीं रह सके। काश भारत का हर पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलता देख ऐसे ही गर्व महसूस करता। काश भारत की हर माँ अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज सकती, लेकिन ये मौका आपके बच्चों के लिए नहीं है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल लिखते हैं, इनको आपने न सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, न हिंदी मीडियम में भेजा, न शाखा में भेजा और न ही बजरंग दल में गोरक्षा करने के लिए भेजा। ऐसा न करने के लिए आपको बधाई, आप एक समझदार पिता साबित हुए। बच्चे को भी मंगल कामनाएं। अच्छे पिता क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाते हैं, उनकी जिंदगी संवारते हैं और शिवराज इस मामले में अच्छे पिता साबित हुए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को गोरक्षा करने की जगह विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। ट्विटर पर कुलदीप रावत लिखते हैं, एक समझदार पिता की यही तो निशानी होती है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बजरंग दल, संघ और जहर बोने वाले संगठन में भेजते हैं। हमें शिवराज चौहान जी से सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। अब आप सोचिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों से शिक्षा का अधिकार कौन छीन रहा है, उनके स्कूल और कॉलेज को कौन प्राइवेट हाथों में बेच रहा है, आपके बच्चों को दंगाई कौन बना रहा है, आपके बच्चों के दिमाग में जहर कौन भर रहा है और आपके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करके असली मौज कौन ले रहा है। जरा सोचिए क्योंकि सोचने पर अभी तक बैन नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। Okay, the crowd.